IBN 7 Horsefly. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज शनिवार है और आज का दिन है 22 नवंबर 2014। आज एक विशेष संयोग बन रहा है। आज के दिन विशाखा नक्षत्र दोपहर तक रहेगा, जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। और दोपहर बाद यानी कि शाम के वक्त की अगर हम बात करें तो तब इसका दोपहर पहर जब खत्म होगा तब अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसका स्वामी शनि खुद है। यानी गुरु धर्म के साथ पुण्य प्रदान करेगा और शनि न्याय के साथ सिद्धि देगा। जी हाँ, शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काल सर्प योग की हम चाहे बात करें, ढैया हो, साढ़े साथी हो, इसके साथ शनि संबंधी जितनी भी बाधाएं हैं उनसे मुक्ति पाने का ये एक दुर्लभ समय है। जब शनिवार के दिन अमावस्या का समय है तो इसे शनि अमावस्या कहा जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो ये हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि क्या है शनि अमावस्या और आज किस तरह का संयोग है यहाँ पर बन रहा है। शनि की साढ़े साथी धैया और महादशा से मुक्ति पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो दो जाने माने ज्योतिष आचार्य इस वक्त जुड़ चुके हैं, नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य सुरेश कौशल जी, और साथ ही साथ भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलम त्रिपाठी जी। सबसे पहले मैं ज्योतिष आचार्य सुरेश जी से यहाँ पर जानना चाहूंगी। सुरेश जी, आज का पंचांग की अगर मैं बात करूँ, आज के विशेष संयोग के दिन क्या कहता है आज का पंचांग? अभूतपूर्व ग्रह स्थिति का निर्माण हुआ पड़ा है। जैसे आपने अनुराधा नक्षत्र की बात की, 1:11 के उपरांत अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। शनिवार का दिन हो और अनुराधा नक्षत्र शनि का ही हो और अमावस्या में सूर्य और चंद्र के अतिरिक्त शनि भी शामिल हो जाएं और साथ में असुर गुरु शुक्र भी शामिल हो जाएं और उनके ऊपर देवगुरु की बृहस्पति की उच्च बृहस्पति की दृष्टि पड़े, तो इस जैसा संयोग पिछले 150 वर्ष में देखने को नहीं मिला। लगभग 150 वर्ष मैंने देखा, उसमें नहीं है, उससे पहले भी लंबे समय के उपरांत इस प्रकार का आपको ये संयोग देखने को मिल रहा है। चार ग्रह सूर्य बुध सूर्य चंद्र शनि एवं बृहस्पति, इस प्रकार की ग्रह स्थिति लगभग पिछले 150 वर्ष में नहीं देखने को। अनुराधा नक्षत्र पड़ रहा है, साथ में बृहस्पति की दृष्टि पड़े, और क्या चाहिए आपको इससे? यद्यपि लोग शनि अमावस्या से डरते हैं, थोड़े से घबराते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि एक हिंसक राशि है और शनि अत्यधिक ठंडा ग्रह होने से, और सर्दियों में ही अमावस्या पड़ रही है, तो थोड़ी सी आपको घबराहट तो हो सकती है कि अत्यधिक शीतकारी अमावस्या है ये, परंतु फिर भी ग्रह स्थिति के अनुरूप यमुना में, गंगा में तथा नर्मदा में स्नान करने से ये दिन ऐसा है कि आप किन्हीं भी पितरों का, क्योंकि दक्षिणायन में सूर्य है, पितरों का आप जो भी आज दान कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, और संध्याकालीन समय जो है साधना हेतु अत्यधिक उत्तम रहेगा। इस प्रकार का समय जिस समय आप जो पूर्ण रूप से ध्यान तथा चेतना में जा पाएंगे, सायंकालीन, क्योंकि 6:02 तक यद्यपि अमावस्या है परंतु सारा दिन अमावस्या रहने से पूर्ण रात्रि में प्रभाव मिलेंगे। दूसरे चाहूंगी कि आप इनको मतलब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बताइए, जो विशाखा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर तक तो विशाखा था लेकिन जब उसके बाद ये पहर खत्म होने के बाद अब अनुराधा जब शुरू हो रहा है, वो समय और वो कैसे हम इनको डिफरेंशिएट करें? ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि गुरु की दृष्टि जो है एक प्रकार से पड़ रही है आपके शनि के ऊपर, बुध के, शनि के ऊपर, सूर्य के ऊपर, चंद्र के ऊपर तथा शुक्र के ऊपर। गुरु पहले से ही उच्च है, अत्यधिक प्रबल है। गुरु की सौम्यता, गुरु की उच्च बृहस्पति की जो दृष्टि है, संभावनाओं के अनुरूप यदि हम देखें तो शनि अमावस्या हिंसक हुआ करती है, और वो भी जब सूर्य स्कॉर्पियो में चल रहा हो। अगर हम इसको भूतकाल में देखें तो 6 दिसंबर पार्लियामेंट अटैक, 13 दिसंबर और एक घटना और हुई थी 26/11
ये सूर्य जब वृश्चिक राशि में था और सूर्य और राहु शनि इत्यादि ग्रहों के साथ तब ये हुआ था, परंतु इस बार यही अमावस्या अत्यधिक उत्तम होगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ चुकी है। बिल्कुल, इसी संयोग पर और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, भोपाल से नीलम त्रिपाठी जी। नीलम त्रिपाठी जी, यहाँ पर आपने सुरेश कौशल जी को सुना, उन्होंने कहा कि 150 वर्ष पहले मतलब ऐसा हुआ होगा तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन 150 वर्षों में तो ऐसा नहीं हुआ है, तो हम क्या इसको देखें? क्योंकि अपनी उच्च राशि छोड़कर यानी कि तुला को छोड़कर अब शनिदेव जो है वृश्चिक, जो की काफी अटैकिंग राशि मानी जाती है, उसमें अब प्रवेश कर रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात है और मैं तो ये मानता हूँ कि सृष्टि में कभी भी कोई भी क्षण रिपीट नहीं होता, दिन प्रतिदिन नित्य नूतन है जगत, यह संसार निरंतर प्रगतिशीलता की ओर है और कोई भी व्यक्ति कोई भी क्षण पुनः वही नहीं आता, हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है, यह जगत परिवर्तन सापेक्ष है। हमारे 7 वार हैं और उन 7 वारों में शनिवार बहुत ही स्थिर वार कहा जाता है और इसमें संयोग यह है कि आज शनिवार को अमावस्या भी है। अमावस्या तिथि की ये विशेषता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ होते हैं और जब ये दोनों एक साथ होते हैं अर्थात उष्णता और शीतलता दोनों एक साथ है, सूर्य तत्व अग्नि तत्व है और चंद्र तत्व जल तत्व है, अग्नि की जो ज्वालाएं हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, ऊर्ध्वगामिनी होती हैं और चंद्रमा अर्थात जल हमेशा नीचे की ओर गिरता है, और जब ऐसा संयोग हो कि मन एक साथ विभिन्न स्थितियों में एक साथ हो तो वो अमावस्या तिथि होती है। हम अवसाद कुंठा निराशा में भी घिर सकते हैं लेकिन हमारी चेतना प्राणवान चैतन्य ऊर्जावान धृतिवान ज्ञानवान हो सकती है। इस संधि काल में जो मंत्रों के जितने निकट रहेगा, गुरुजनों के जितने निकट रहेगा, उसके जीवन में उतनी अनुकूलताएं आती जाएंगी, क्योंकि शनि देव न्याय के अधिपति देवता हैं। जिसके जीवन में शनि की अनुकूलता आती है उसके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अब शनि अनुकूल कैसे बनेंगे? क्योंकि जिसके जीवन में संतोष रूपी धन होगा वो न्याय का पालन करेगा, जहां असंतोष होगा। बिल्कुल नीलम जी, एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ, जो ऑलरेडी शनि मतलब जो साढ़े साथी जिस पर चढ़ी हुई है ढैया है वो कैसे प्रसन्न करे, ये मैं एक और एड ऑन कर देती हूँ, तब आप अपना जवाब दे दीजिए। जी, मुझे ऐसा बिल्कुल बिल्कुल यही बात समझनी चाहिए कि जिसके भी जीवन में शनि प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव कर रहे हैं आज के दिन, वो बहुत सावधान रहे, बहुत अधिक भावनाओं में न उलझे, तटस्थ रहे, बहुत कटु वचन न बोले, मधुर स्मरण से भगवत प्रीति की ओर उन्मुख हो, वो नील पुष्प अर्पित करे, माता पिता को प्रणाम करे, अन्न दान करे और अपने जीवन में संतोष रखे, क्योंकि एक ये असंतोष रूपी तत्व व्यक्ति को भयभीत बनाता है और चिंतित करता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं जो सेवक वर्ग हैं उन्हें वृत्ति मिलती है, नौकरी करते हैं उन्हें तनख्वाह मिलती है, लेकिन जिसके जीवन में अपनी तनख्वाह के प्रति संतोष नहीं होगा वो सारे जीवन असंतुष्ट होकर जिएगा, अर्थात सब कुछ होते हुए भी वो व्याकुल है, परेशान है, निरंतर व्यथित है। तो जिसके जीवन में ये संतोष आता है वहां न्याय होता है, वहां शनि की अनुकूलता प्राप्त होती है। इसलिए व्यग्र नहीं होना है, अधीर नहीं होना है, निश्चिंत रहना है। चिंता का परिणाम दुख है लेकिन निश्चिंतता का परिणाम तो सुख और सौख्य है। बिल्कुल सुरेश कौशल जी, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि शनि की जब आप पूजा करते हैं, पूजते जब आप हैं या कोई दान करते हैं उसके बाद राहु केतु को भी पूजा जाना चाहिए, क्या मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये वाकई में इतना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्या महत्व क्या है, इस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, शनि वते राहु पूजा वते केतु कहा गया है, केतु मंगल के भांति हैं और राहु शनि के भांति हैं। शनि अमावस्या कहा गया है और इस वर्ष की तीसरी अमावस्या है इस संवत की, कि शनि राहु के प्रकोप से बचने के लिए, परंतु ये अमावस्या और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस राशि वृश्चिक राशि में यह अमावस्या पड़ रही है वहां 7.5 चल रही है। जी बिल्कुल, ठीक है, इसलिए शनि के उपाय करने अत्यधिक आवश्यक हो रहे हैं।
आप आज के दिन चाहेंगे तो भी क्रोधित नहीं हो सकते। कारण क्या है, वृश्चिक राशि चंद्र की नीच राशि है और वो आपको एक प्रकार से जैसे एक साइलेंस में ले जाती है, और योग की भाषा में कहे तो ट्रांस में ले जाती है या साधना की ओर उन्मुक्त करती है ये इस पर। और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि होने से सब हो रहा है, वृश्चिक राशि जो मूलाधार चक्र की राशि है इसमें जब ये इस प्रकार की अमावस्या लग रही है तो चंद्र बिल्कुल शांत है, सूर्य बिल्कुल शांत है। और देखिए क्या हो रहा है, शुक्र साथ में, सूर्य साथ में, चंद्र साथ में, शनि साथ में, मूलाधार चक्र से स्थान, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत और फिर विशुद्धि चक्र, इनके स्वामी कौन है, मंगल, जिसमें ये चल रहा है। अगला कौन है, दूसरे ग्रह बुध, वो उनकी नक्षत्र में बृहस्पति है। अगले ग्रह कौन से हैं, शुक्र, बृहस्पति, यानी ये सभी ग्रह इस अमावस्या में जा रहे हैं। तो जो लोग योग में आज जाना चाहते हैं और शनि के गहन उपाय करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, सायंकालीन पश्चिम दिशा की ओर मुख करके काला कंबल लेके बैठे अपने शरीर को ढककर, क्योंकि ये अत्यधिक ठंडी अमावस्या है, इस बात का ध्यान रखा जाए, ठंडी अमावस्या, पूर्व पश्चिम ओर मुख करके थोड़ी देर आप कोशिश करें सुखासन में अथवा वज्रासन में बैठ के, पद्मासन, जो भी आपकी आयु के अनुरूप आपको जो है कर सकते हैं वो ध्यान करें भगवान गणेश का। उसके बाद आप किसी भी शनि मंत्र का, शनि गायत्री हो तो अत्यधिक उत्तम, अथवा ओम नमः नारायण है अथवा ओम नमः शिवाय, किसी मंत्र का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम आरंभ करें, थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आप शंकर के समक्ष बैठे हुए, इतनी बढ़िया अमावस्या है ये पूजन के लिए। और इसमें बैठते हुए ही आप इसी क्रिया में रहें, आधा एक घंटा बैठें, जब मंत्र आप में समाहित हो जाएं, जब आपको लगे कि आप, देखिए वैसे ये क्रियाएं बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल आवश्यक है, परंतु साधारण रूप से भी यदि आप बिगनर हैं, यदि आप योग में, तो आप देखेंगे कि आप शांत हो रहे हैं, आप में ऊर्जा आ रही है, आपकी जो घबराहट थी वो खत्म हो रही है और आपको लग रहा है शिव और शक्ति आपके पास है, इस प्रकार की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। थोड़ी देर, आधा एक घंटा ये पूजा करें, शायद 5:30-6 बजे प्रदोष काल के उपरांत, उसके उपरांत जो है आप ये जितने दान हैं, शनि के दान हैं, जिसमें नमक है, लोहा है और साथ में कोयला है, सरसों का तेल है, या आपको जो भी पाए आते हैं, दीप दान करने हैं, वो सब करें, सब करें। और घर में यदि बीमारियां हैं और वास्तु दोष है तो ये जो रॉक साल्ट होता है, सेंधा नमक, उससे अपने बाथरूम को वॉश करें, अपने घर की सफाई करें, क्योंकि ये राशि एक प्रकार से ये कह सकते हैं इन्फेक्शन की भी राशि है, इसलिए जो लोग बीमार हैं वो अपने को ढकें, अपने को सुरक्षित करें। यदि आपकी आयु अधिक है, अस्थमा से, निमोनिया से, सांस की तकलीफ है, जुकाम बार बार हो रहा है, तो आप इस दिन दान करें, सिर्फ ईश्वर का ध्यान करें, परंतु अपने को सुरक्षित करके, यदि युवा हैं, स्वस्थ हैं, संगठित हैं, और आज के दिन क्या नहीं करना है, मांसाहार, मद्यपान, बुरा तो बोलना ही नहीं है, परंतु खान पीन में आज के दिन देखिए क्या होता है, आप यदि ड्रिंक्स लेते हैं तो जितना आपका डेली कंजम्पशन है आज उतना लेंगे तो एकदम से तेजी से नशा जाएगा, क्योंकि खून की राशि में ग्रहस्थ। बिल्कुल, तो शनि की ढैया जिन पर चल रही है, खास तौर पर जिन पर उनके लिए यहाँ पर आचार्य जी बता रहे थे कि मदिरा, आप मदिरा पान ना करें, मतलब शराब का सेवन ना करें, आप मांस ना खाएं, और जो आपको मंत्र यहाँ पर कहा गया है लगातार हम वो आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे थे, आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कुछ ऐसी और चीज, पितृदोष, कालसर्प दोष की भी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या विशेष अनुष्ठान किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं शनिश्चरी अमावस्या की, अगर किसी पर साढ़ेसाती है, शनि की महादशा है, तो कैसे आप उससे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। हम भोपाल का इस वक्त सीधा रुख करना चाहेंगे, नीलम त्रिपाठी जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वहां से बने हुए हैं। नीलम जी, हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि इससे पहले तो हमने ये बात करी कि जिन पर शनि की ढैया है, वृश्चिक राशि जाति की बात कर रहे थे, तुला राशि की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम बाकी और जातकों की बात करें तो उनको कोई कॉमन मंत्र आप ऐसा देना चाहें जिससे उनको ये मुक्ति मिल सके या थोड़ा सा कम हो सके ये महादशा। इसके लिए सर्वोत्तम रूप से तो ये देखा जाता है कि शम शनिश्चराय नमः, शनि देव का ये मंत्र है, और शम शनिश्चराय इस मंत्र का भाव से जप करने से शनि देवता शांत होते हैं, क्योंकि ये सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए सूर्य भगवान को भी प्रणाम करने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान नारायण का मंत्र है, इसे भी पढ़ने से अत्यंत शुभता प्राप्त होती है। इसके साथ साथ
मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि व्यक्ति अपने चित्त को निर्मल रखें। शास्त्र कहते हैं यात्येकतोऽस्तु शिखरं पतिरोषधीनामाविष्कृतो ऋणपुरःसर एकतोऽर्कः तेजो द्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु। जब प्रातःकाल में ये मंत्र यहाँ पर बताया तो इसको आप भी यहाँ पर अपने घर में कर सकते हैं। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सुरेश जी, मैंने यहाँ पर ये पूछा था कि क्या रुद्राक्ष का और सर्प योग का यहाँ आपस में कोई संबंध है? किस तरह से काल सर्प योग और पित्र दोष से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या विशेष अनुष्ठान? सर्प योग के बारे में ग्रंथ संहिता और पराशर इत्यादि में वर्णन है। काल सर्प जो नाम है ये एक प्रकार से डरावने के लिए डरावना नाम है। इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अच्छा। ज्योतिष में फिर भी काल सर्प योग की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और नेपोलियन तीनों का था। मेरे को ऐसा भगवान दे दे, भारत रत्न है दो दो इनमें से। तो काल सर्प योग से डरने की जरूरत नहीं है, परंतु सर्प योग हुआ करते हैं, अवामा की कुंडली में है। सर्प योग से घबराना नहीं है, परंतु सर्प जो है भगवान शंकर के गले में है और 11 गणों में शंकर, ये शिव भी हैं, शनि भी हैं और हनुमान भी हैं। तो इसलिए आप रुद्राक्ष धारण करें, कोई भी सर्प योग समाप्त हो जाएगा। दूसरे वृषभ, तुला, मकर और कुंभ जो लग्न अथवा ये लग्न है आपके, तो ये नीलम धारण करने के लिए अत्यधिक शुभ दिन है आज का दिन। अन्य यदि आपके लग्न है कोई भी, तो शनि महादशा चल रही हो, प्रभावित हो रहे हो, तो लग्नेश के साथ शनि का रत्न आप धारण कर बिल्कुल। तो किसी भी तरह का सर्प योग हो, काल सर्प योग की भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, रुद्राक्ष धारण कीजिए, वो कट जाएगा और साथ ही साथ नीलम आज ही के दिन आप धारण करेंगे तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ ज्योतिष आचार्य सुरेश जी आपका भी और नीलम जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में